हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके अंतर्गत द रेनेसांस पीरियड, जिसमें दो एजेस शामिल हैं, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज। अब यह जो वीडियो है, यह पार्ट वन है और पार्ट टू वाला भी बनाया हुआ है। चलिए हम देखते हैं पार्ट वन। द रेनेसांस, जिसमें दो एज है, एक एलिजाबेथन पीरियड है, दूसरा जैकोबियन पीरियड है। द रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, उनका जो कार्यकाल है वो है 1558 से लेके 1603, और जैकोबियन पीरियड में जो है वो है 1603 से लेके 1625। अब यह जो जैकोबियन पीरियड है, रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, यह जो जेम्स है इनका लैटिन नाम जो है वो है जैकोब, इसलिए इसे जैकोबियन पीरियड कहा गया है। चलिए देखते हैं। द रेनेसांस नोन एज एलिजाबेथन एज, ऑल्सो नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर। यह जो रेनेसांस है इसे एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है और गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर। अब गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर क्यों कहा जाता है देखेंगे। रेनेसांस इज अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग रीबर्थ। यह जो रेनेसांस है यह एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है रीबर्थ। इट रिफर्स पर्टिकुलरली टू अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन क्लासिकल लर्निंग राइटिंग ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोमन। यह जो है रीबर्थ, रीबर्थ मतलब फिर से जन्म लेना। अब यह पर्टिकुलरली किस लिए यूज किया गया है कि पुराना जो लिटरेचर था ग्रीस और रोमन का, उसमें जो इंटरेस्ट दिखाया गया, इसलिए इस पीरियड को हम रेनेसांस पीरियड कहते हैं। रेनेसांस इज अ कंसिडर्ड टू बी अ कल्चरल मोमेंट। यह एक सांस्कृतिक क्रांति थी। पीपल थॉट अबाउट देमसेल्फ, लोगों ने खुद के बारे में सोचना शुरू किया था। इंटरेस्टेड इन एक्सपांडिंग देयर ओन नॉलेज, खुद का जो नॉलेज है उसे बढ़ाने के बारे में उनका इंटरेस्ट बढ़ चुका था। द रेनेसांस कंसिडर्ड टू बी द डिविजन बिटवीन द मिडल एजेस एंड मॉडर्न एरा। यह जो मिडल एजेस वाला लिटरेचर था और जो मॉडर्न एरा वाला लिटरेचर है, उसके बीच में जो डिवीजन है, मेन जो पार्ट है, वह रेनेसांस करके पहचाना जाता है या समझा जाता है। द थिंकर्स ऑफ द पीरियड आल्सो कॉल्ड ह्यूमनिस्ट। अब यह रेनेसांस पीरियड में जो थिंकर्स थे, जो वैचारिक लोग थे, उन्हें ह्यूमनिस्ट कहा जाता है। क्यों? They believe that the man should be the subject of study, not God. वह believe करते थे कि यह जो व्यक्ति है, person है, man है, यह study का subject होना चाहिए, God नहीं। As the church had taught during the medieval period, middle age के बीच में जो church हमें बताता था कि God, God यही हमारे study का subject होना चाहिए, यह न होते हुए man यह स्टडी का सब्जेक्ट है, ऐसे वो थिंकर्स मानते थे, इसलिए उन्हें ह्यूमनिस्ट कहा जाता था। रेनेसांस अ मोमेंट स्टार्टिंग इन इटली। अब यह जो रेनेसांस है, यह जो मोमेंट है, यह कहाँ से शुरू हुआ? इटली, बिकॉज रोम वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसांस। रोम से यह शुरू हुआ, वह उसका बर्थ प्लेस है। रोम इज अ कैपिटल ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। जो रोमन सिविलाइजेशन थी उसका कैपिटल है रोम। नॉर्थ यूरोपियन विजिटेड इटली एंड दे इंस्पायर्ड बाय रोमन कल्चर। अब यह जो नॉर्थ यूरोपियन लोग थे, इन्होंने इटली को विजिट किया और वहाँ पे जो रोमन कल्चर था उससे वो इंस्पायर्ड हुए। एंड दैट इज हाउ रेनेसांस स्प्रेड ऑल अक्रॉस द यूरोप। और उस तरह यह रेनेसांस पूरी यूरोप में फैल गया, स्प्रेड हो गया। रेनेसांस स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, दिस फेनोमेनन कॉल्ड कल्चरल डिफ्यूजन। यह जो रेनेसांस है यह पूरे यूरोप में फैल चुका था, इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? कल्चरल डिफ्यूजन। अब ये कल्चरल डिफ्यूजन क्या है? कल्चरल डिफ्यूजन आइडिया इज देयर स्प्रेडिंग अक्रॉस सेंटर पॉइंट टू अदर वाइडली। जो सेंटर पॉइंट होता है वहां से सब तरफ वाइडली, विस्तार पूर्वक सब तरफ जब स्प्रेड किया जाता है उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। और सांस्कृतिक डिफ्यूजन मतलब संस्कृति हर जगह रोम से यूरोप में फैल चुकी थी, इसलिए उसे कहा जाता है कल्चरल डिफ्यूजन।
मेजर थीम ऑफ रेनेसांस। अब ये जो रेनेसांस है, पीरियड है, जिसे हम रिबर्थ कहेंगे, रिवाइवल कहेंगे, उसकी मेजर थीम्स क्या थी? फर्स्ट इज ह्यूमेनिज्म। सबसे मेन थीम थी उसकी ह्यूमेनिज्म। मानवतावाद इज अ फिलोसॉफी विच दैट सेज ह्यूमंस हैव डिग्निटी एंड पावर। जिसका सबसे मेन यह फिलोसॉफी थी कि ह्यूमंस को भी डिग्निटी है और पावर है। इट शुड बी सेंटर्ड अराउंड ह्यूमिनिटी, नॉट शुड बी द चर्च एंड इट्स रेगुलेशन। यह जो रेनेसांस है, यह जो ह्यूमेनिज्म था, वह ह्यूमिनिटी के सेंटर्ड था। ह्यूमिनिटी उसकी सेंटर में थी, चर्च और उसके रेगुलेशंस नहीं। मतलब मानवतावाद को उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया था। बिफोर रेनेसांस इन ब्रिटेन, इम्पोर्टेंस एंड हैविंग सुपर पावर, एवरीबडी एवरीथिंग वेयर अराउंड द चर्च एंड बाइबल्स रेगुलेशन। जब रेनेसांस आने का था, रेनेसांस बिफोर रेनेसांस इन ब्रिटेन, किस चीज को इम्पोर्टेंस दिया जाता था? चर्च को और बाइबल के रेगुलेशंस को। उनके हाथ में ही सुपर पावर था। एवरीबडी एवरीथिंग वेयर अराउंड, सब कुछ किसके अराउंड होता था? चर्च और बाइबल के रेगुलेशन के अराउंड। बट आफ्टर रेनेसांस स्टार्टेड विद आइडिया दैट ह्यूमंस वेयर इम्पोर्टेंट, फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, देयरफॉर इट अराउंड ह्यूमिनिटी। और जैसे ही रेनेसांस आया, और रेनेसांस में कौन सी आइडिया सामने आई, कौन सी बात सामने आई कि ह्यूमन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है, तो ह्यूमिनिटी के अराउंड यह सब कुछ होना चाहिए, न कि चर्च और बाइबल के रेगुलेशन के अराउंड। साइलेंट फीचर्स ऑफ रेनेसांस। अब रेनेसांस के साइलेंट फीचर्स क्या है? तो रेनेसांस यह आर ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म के बारे में सोचता है। क्यूरियोसिटी अबाउट मोर नॉलेज एंड पास्ट। क्यूरियोसिटी होती है ज्यादा, किस बारे में? तो ज्यादा नॉलेज, और पास्ट में जो नॉलेज था उसके बारे में। डिजायर फॉर अनलिमिटेड वेल्थ एंड पावर, और अनलिमिटेड वेल्थ और पावर के बारे में डिजायर। लव ऑफ एडवेंचर्स, एडवेंचर्स के बारे में लव। ओन कंट्री, खुद के देश या कंट्री के बारे में लव। ब्यूटी के बारे में लव, यह रेनेसांस में था। ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन प्रोग्रेस, एक्सपांशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज। बर्ड्स व्यूड शिफ्ट फ्रॉम रिलीजन एंड आफ्टर लाइफ टू वन स्ट्रेसिंग द ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। अब यह रेनेसांस में क्या क्या हुआ है? ह्यूमेनिज्म, क्यूरियोसिटी अबाउट मोर नॉलेज एंड पावर, डिजायर फॉर अनलिमिटेड वेल्थ एंड पावर, लव ऑफ एडवेंचर्स, ओन कंट्री एंड ब्यूटी, ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन प्रोग्रेस, एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज, बर्ड्स व्यू शिफ्ट फ्रॉम रिलीजन एंड आफ्टर लाइफ। यह जो दुनिया, वर्ल्ड का जो व्यू था, उनका व्यू कहाँ से शिफ्ट हुआ? धर्म और जो आफ्टर लाइफ यानी इसके बारे में जो बताया जाता था, वहां से यह व्यू शिफ्ट होके किस पे स्ट्रेस दिया गया? ह्यूमन लाइफ पे, जो पृथ्वी पे अतिशय अमूल्य ऐसी मानवीय जीवन है, उस पे ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस दिया गया। रेनेसांस मीन्स रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। जो यह रेनेसांस है, उसका मतलब होता है रिवाइवल, पुनरुज्जीवन, रिबर्थ, किसका? तो क्लासिकल लर्निंग का। क्लासिकल लर्निंग रिफर्स टू द स्टडी ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड लैटिन राइटर्स, मैथमेटिशियंस एंड फिलोसोफर्स। अब यह क्लासिकल लर्निंग कौन सी? तो क्लासिकल लर्निंग किससे संबंधित है? ग्रीक और लैटिन राइटर्स ने जो लिख के रखा था, या गणितज्ञ थे या फिलोसोफर थे, उनका जो नॉलेज था, उस नॉलेज को फिर से पढ़ना, यह क्लासिकल लर्निंग के अंतर्गत आता था। इसलिए रेनेसांस को रिवाइवल कहा जाता है। इन एलिजाबेथन एज, वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क डन बाय राइटर्स एंड पोएट्स। अब यह जो एलिजाबेथन एज था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क किया गया राइटर्स और पोएट्स के थ्रू। लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिकल चेंजेस हैपन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिकल चेंजेस उस टाइम हुए। एलिजाबेथ रूलिंग इंग्लैंड दिस पीरियड एंड गिविंग लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंग्लैंड। अब वहां पे किसका रोल था? एलिजाबेथ फर्स्ट का, और उन्होंने बहुत सी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंग्लैंड में लाई थी उस टाइम। देयर वेयर नो वॉर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पीस।
people during the this period. So people working on various other art forms, example literature. अब वहाँ पे वॉर नहीं हो रहे थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी पीरियड, उस पीरियड में अच्छी रूलिंग चल रही थी, तो उस टाइम पीपल ज़्यादा ज़्यादा वर्क कर रहे थे आर्ट में, आर्ट फॉर्म में ज़्यादा ज़्यादा वर्क कर रहे थे. फॉर एग्जांपल लिटरेचर, लिटरेचर आर्ट फॉर्म में भी बहुत सारा वर्क किया गया. इकोनॉमिक चेंज फॉर्म फार्म बेस टू वन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. जो इकोनॉमी थी इंग्लैंड की वह फार्म बेस थी, यानी खेती पे बेस थी, वहां से वो चेंज होके इंटरनेशनल ट्रेड में बदल गई. ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, ब्रिटेन स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग सो मेनी नेशंस, और इसी टाइम ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन शुरू हो गया. ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनियां अलग अलग देशों में स्थापन करना शुरू कर दिया. इफेक्ट ऑफ रेनेसांस ऑन इंग्लिश लिटरेचर. अब यह रेनेसांस में सब थिंकर्स की थिंकिंग चेंज हो गई थी, ये सोशो इकोनॉमिकल चेंजेस हो गए थे, ट्रेड बदल गए थे, सब तरफ लिटररी वर्क होने लगा था. तो इस रेनेसांस का इंग्लिश लिटरेचर पे क्या असर हुआ, तो देखें, एन इंक्रीज एम्फासिस ऑन ह्यूमेनिज्म एंड इंडिविजुअलिटी. अब ह्यूमेनिज्म मानवतावाद और स्वतंत्र व्यक्ति महत्व, यह जो मानवतावाद और स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है उसके बारे में, खुद की स्वतंत्र पहचान और मानवतावाद, इस पे ज्यादा जोर दिया गया. इंक्रीज विलिंगनेस ऑफ राइटर्स टू सटायर एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन सच एज चर्च एंड स्टेट, टू राइट सेक्युलर रादर देन रिलीजियस वर्क, ड्रामा बिकेम सेकुलराइज्ड. अब यह जो राइटर्स थे उन्होंने सटायर करना शुरू कर दिया जो चर्च और स्टेट जैसे इंस्टीट्यूशंस थे उन पे, और रिलीजियस वर्क लिखने से ज़्यादा सेकुलर वर्क लिखा गया, और ड्रामा भी बहुत ज़्यादा सेकुलराइज्ड हो चुका था. स्कॉलर्स बिगिन टू फोकस लेस ऑन क्रिश्चियन रिलेटेड राइटिंग एंड मोर ऑन आर्ट एंड थॉट्स. जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्रिश्चियन रिलेटेड राइटिंग, जो पुराने थिंकिंग पे आधारित थे, वह राइटिंग लिखना कम कर दिया था और आर्ट और नए नए विचारों पे लिखना शुरू किया था, फोकस किया था. राइटर्स वेयर फुल ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट ह्यूमन काइंड, और राइटर्स में ह्यूमन काइंड के बारे में बहुत सारी क्यूरियोसिटी निर्माण हो चुकी थी कि यह जो ह्यूमन लाइफ है उसका नेचर कैसा है, इस दुनिया में ह्यूमन लाइफ का नेचर कैसा है, इट इज बैड और गुड, फ्री और डिटरमाइंड, मॉन्यूमेंटली इम्पोर्टेंट और कम्प्लीटली इनसिग्निफिकेंट. मतलब अच्छा या बुरा, फ्री है या बंदिस्त है यह दुनिया में मानवीय जीवन, या फिर हम उसे कहेंगे फ्री और डिटरमाइंड, निर्धारित है या फ्री है, और इम्पोर्टेंट है किसी स्मारक की तरह, या फिर इनसिग्निफिकेंट है, दुर्लक्षित है. यानी इस ह्यूमन लाइफ का इस दुनिया में नेचर क्या है, स्वरूप क्या है, इसके बारे में क्यूरियोसिटी राइटर्स की बढ़ चुकी थी. प्रिंटिंग प्रेस हेल्प स्टेबलाइज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज एंड अलाउज मोर पीपल टू रीड अ वैरायटी ऑफ लिटरेचर. अब सब तरफ प्रिंटिंग प्रेस स्प्रेड हो चुका था. विलियम कैंगस्टर, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया था. तो जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेसेस बढ़ते गए तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सब तरफ स्टेबलाइज हो चुकी थी, और जिसकी वजह से लिखित साहित्य मिला तो मोर पीपल को वह ज्यादा पढ़ने के लिए वैरायटी ऑफ लिटरेचर मिलने लगा था. इन रेनेसांस रीडर्स एंड राइटर्स प्राइज नॉट ओनली द साउंड फ्लो एंड ब्यूटी ऑफ एलोबरेट लैंग्वेज. यह जो लैंग्वेज है इसकी साउंड फ्लो और ब्यूटी के बारे में ही रीडर्स और राइटर्स सोचते नहीं थे, तो दे वेयर ऑल्सो एंगेज बाई डीप थॉटफुल इवन स्टार्टलिंग आइडियाज. वह सिर्फ भाषा के सौंदर्य, साउंड, ध्वनि, ब्यूटी, इसके बारे में नहीं सोचते थे, तो डीप थॉटफुल एंड इवन स्टार्टलिंग आइडियाज, नए नए आइडियाज और डीप थॉटफुल आइडियाज, उनके बारे में भी वह सोचने. इन रेनेसांस सोशल एंड कल्चरल लाइफ वॉज सेंटर्ड अराउंड लंदन एंड रॉयल कोर्ट. अब रेनेसांस में जो सोशल और कल्चरल लाइफ थी वह सेंटर्ड अराउंड किसके अराउंड थी, वह सेंटर्ड
लंदन, यानी लंदन जो उनका मेन कैपिटल था उसके अराउंड, और रॉयल कोर्ट जो दरबार था उसके अराउंड पूरा सोशल और कल्चरल लाइफ उनकी सेंटर्ड थी। राइटर्स एंड रीडर्स एंजॉय वॉचिंग लिटरेरी कैरेक्टर्स टेक अप एन इशू एंड डिस्कस इट फ्रॉम एवरी एंगल। अब राइटर्स भी वैसे लिखने लग गए थे और रीडर्स को भी वही पढ़ना पसंद था जिसमें लिटरेरी कैरेक्टर्स जो थे वह किसी इशू को लेते थे, उस पर डिस्कस करते थे हर एंगल से। ऐसा लिखित साहित्य पढ़ने में और लिखने में राइटर्स और रीडर्स एंजॉय करने लगे थे। अब इन रेनेसांस में पोएट्री एंड ड्रामा वेयर द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग द रेनेसांस। यह जो रेनेसांस पीरियड था इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा टाइप था लिटरेचर का? पोएट्री एंड ड्रामा। चलिए हम पोएट्री के बारे में जानते हैं। पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट्री लिखी जाती थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसांस पोएट्री वेयर वीट, ब्यूटी एंड ट्रूथ। इट वॉज लिरिक, एलिजी, ट्रेजेडी, पेस्टोरल। एंड पेस्टोरल पोएट्री फोकस ऑन द आइडलाइज कंट्री साइड एंड द सिंपल लाइफ। अब मेटाफिजिकल पोएट्री लिखी जाती थी, पेस्टोरल लिखी जाती थी, ट्रेजेडी लिखी जाती थी, एलजी लिखी जाती थी, और लिरिकल भी होती थी वह पोएट्री। और उस पोएट्री में ट्रुथ होता था, सत्य होता था, जैसे कंट्री साइड और सिंपल लाइफ के बारे में लिखा जाता था। ब्यूटी होती थी, सौंदर्य होता था, वीट होता था, ह्यूमर होता था उस पोएट्री में। द इंग्लिश पोएट्री ऑफ रेनेसांस डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चौसर्स ट्रेडिशन। अब चौसर ने जो ट्रेडिशन डाल रखा था, उन्होंने जो कैंटरबरी टेस्ट लिखी थी, उसका इन्फ्लुएंस उस पोएट्री पे था। फोल्क सॉन्ग्स एंड इटालियन वर्सेस फॉर्म। फोल्क सॉन्ग्स जो थे और जो इटालियन वर्स फॉर्म था, काव्य फॉर्म था इटालियन, उसका भी इन्फ्लुएंस उस पोएट्री पे था। टू कॉमन थीम्स इन 16th सेंचुरी पोएट्री वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द मेन एंड वुमेन। अब उस पोएट्री में दो कॉमन थीम्स ज्यादा यूज की जाती थी। सबसे पहली थी मेन और वुमेन के रिलेशन के बारे में, और दूसरी थीम होती थी ट्रेचरी एंड हिपोक्रेसी ऑफ कोर्टली लाइफ। यह जो कोर्टली लाइफ थी, सभ्यपना बताती थी जो लाइफ, उसकी जो ट्रेचरी थी उसमें जो दाम्भिकपना था, ढोंगीपना था, उस सब के बारे में कुछ पोएम्स लिखी जाती थी, सटायर होती थी। और कुछ मैन और वुमेन के बिटवीन जो रिलेशनशिप है उसमें मेटाफिजिकल हुई, ब्यूटी वाली हुई, ऐसी पोएट्री लिखी जाती। अब उसी टाइम द सोनेट बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएटिक फॉर्म इन एलिजाबेथन राइटिंग। अब एलिजाबेथन लिटरेचर में सबसे जो पोएटिक फॉर्म्स थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी सोनेट। द सोनेट अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट कैसी पोएम है जिसमें 14 लाइन्स होते हैं। और आयम्बिक पेंटामीटर केम फ्रॉम द इटालियन ऑफ जो उसपे जो पे और यह जो 14 लाइन्स की पोयम होती है और उसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है, केम फ्रॉम द इटालियन ऑफ पेट्रार्च। थ्री सोनेट्स टाइप्स थी, पेट्रार्चियन जो इटालियन टाइप थी, उसके बाद शेक्सपियरियन जो इंग्लिश थी, और स्पेंसीरियन। यह थ्री टाइप्स के सोनेट्स उस टाइम यूज की जाती थी। द फर्स्ट एग्जाम्पल इन इंग्लिश वेयर रिटन बाय सर थॉमस वैट। यह जो पहली सोनेट थी वह किसने लिखी थी? सर थॉमस वैट। इन्होंने द फॉर्म वॉज देन डेवलप बाय हेनरी हॉवर्ड। और वह यह जो फॉर्म था सोनेट का, यह किन्होंने डेवलप किया था? हेनरी हॉवर्ड, जो अर्ल ऑफ सरे थे। अब सरे क्या है? तो यह एक प्रदेश है इंग्लैंड का, और अर्ल बोले तो बहुत ऊंचे ऑफिसर थे वो, हेनरी हॉवर्ड। उन्होंने दे आर ऑफन मेंशन टूगेदर, और दोनों मिलके ही काम करते थे। बट दे देयर आर मेनी डिफरेंस इन देयर वर्क। अब दोनों मेंशन की जाते हैं साथ में, पर दोनों का वर्क बहुत डिफरेंट है। बोथ रूट सोनेट्स, दोनों ने भी सोनेट्स लिखी, विच दे लर्न टू डू फ्रॉम इटालियन, और दोनों की सोनेट्स इटालियन टाइप की है। बट इट वॉज वैट हु फर्स्ट ब्रॉट द सोनेट टू इंग्लैंड। पर यह थॉमस वैट ही थे जिन्होंने सबसे पहले सोनेट इंग्लैंड में लाई। हेनरी हॉवर्ड वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ही रोट द फर्स्ट ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश। अब यह जो हेनरी हॉवर्ड थे,
इनका वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने फर्स्ट ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लिखी। हेनरी हॉवर्ड्स ब्लैंक वर्स इज वेरी गुड, अच्छी थी, उनके ब्लैंक वर्स वेरी गुड थे। ही कीप्स इट अलाइव बाय चेंजिंग द पोजीशंस ऑफ द मेन बिट्स इन द लाइन। जो लाइंस में बिट्स होती है तो उनके जो पोजीशन है वो चेंज कर करके इन्होंने उनके ब्लैंक वर्स को अलाइव रखा। इन द फॉर्म ऑफ सोनेट वैट मेनली फॉलोड द इटालियन पोएट पेट्रार्च। अब ये जो वाइट थे, थॉमस वाइट, ये इटालियन पोएट पेट्रार्च की जो सोनेट थी उसको फॉलो करते थे। उस फॉर्म में क्या होता था, 14 लाइंस होते थे, जिसमें कि 8 लाइंस जो है वो उसमें राइम क्या होता था, ए बी बी ए बी बी ए, और लास्ट की जो 6 लाइंस थी उसमें राइम होता था सी डी सी डी सी डी और सी डी ई सी डी ई। इस तरह की सोनेट वो है लिखे थे। और जो शेक्सपियरियन सोनेट है वह क्या होती थी, उसका राइम क्या होता था, ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी। यानी ये जो राइम स्कीम होती है यह दोनों सोनेट में अलग अलग थी। अब ड्रामा, ड्रामा जो है रिटन इन वर्स, यह काव्यमय ड्रामा लिखा जाता था। सपोर्ट बॉय रॉयल्टी, रॉयल्टी उसको सपोर्ट भी करती थी, यानी पैसा लगाती थी, मदद करती थी। और ड्रामा के कौन से टाइप्स लिखे जाते थे, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्टोरीज। कॉमनर्स वेलकम टू सम प्ले प्रोडक्शन लाइक वंस एट द ग्लोब। और जो कॉमनर्स थे उनको प्ले देखने में बहुत अच्छा लगता था, और ये जो प्ले बनते थे ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्टोरीज, तो यह प्ले प्रोडक्शन को उन्होंने वेलकम किया था, यानी उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहेंगे वंस एट द ग्लोब, यह प्ले कॉमनर्स को बहुत पसंद आया। और उस टाइम का फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा था राज रॉयस्टर डॉयस्टर, किसने लिखा था उसे, निकोलस उडाल ने। और फर्स्ट ट्रेजेडी थी गार्बोडक, यह लिखी थी सैकविल और नॉर्टन इन्होंने। इस तरह हमने इस वीडियो में रेनेसांस क्या था, रेनेसांस इंग्लैंड कैसे पहुंचा, उस टाइम उसकी सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, लिटरेरी वर्क कैसा डेवलप हुआ, लोगों की थिंकिंग कैसी चेंज हुई, इस बारे में इस वीडियो में हमने देखा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेनेसांस पीरियड, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूनिवर्सिटी वीट्स, जिसमें जो 7 ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने ड्रामा को एक हाई पीक पे लेके गए, इंग्लैंड के ड्रामा को, उनके बारे में जानेंगे। और सम फेमस राइटर्स एंड पोएट्स ऑफ दिस पीरियड, और रेनेसांस पीरियड के कुछ फेमस और राइटर्स के बारे में हम हमारे अगले वीडियो में जानेंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स ऑन वीडियो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।